यस कौन? अबे कौन है? सीधा सीधा बोल, नहीं तो तेरे साले मुंह तोड़ देंगे। जल्दी आ, नहीं तो भाग भोसड़ी के। सर हम डायलर अगला बार इंटरव्यू देने के लिए जो आए थे, आप तो सर निकाल दिए हमको, इंटरव्यू हम दे नहीं पाए सर। अच्छा, तो तू है, अब क्यों आया भाई यहाँ? अगला बार तो नौकरी से निकाल दिए थे, इंटरव्यू साले तू तो पास हो नहीं पाया। जी सर, हम इस बार वही उम्मीद से आए हैं यहाँ पे। तो इस बार तो क्या लेने आया है यहाँ पे? सर इस बार लेने नहीं, इस बार देने आए हैं सर। अगला बार आपने तो जॉब्स देने से हमको मना कर दिया, जिसके कारण सर हमको और तकलीफ हो गई। तो क्या देगा बे? सर न्यू डिग्री देने आए थे सर, आप गलत सोच लिए क्या? भंसड़े के 4 दिन में तो कौन सा झंडा गाड़ दिया जाए, इंटरव्यू का नया डिग्री लेके आ गया। कौन सा डिग्री है? सर क्लास 12 का आर्ट्स का डिग्री है सर। तो तुझे क्या लगता है इस बार तुमको नौकरी मिल जाएगा? नहीं देंगे तुमको नौकरी, समझा? तू चाहे जो भी कर ले, इस बार तुमको नौकरी नहीं देंगे। इस जन्म का तुम साले अगला 7 जन्म भी आएगा ना मेरे पास नौकरी लेने, तो तुमको नौकरी नहीं से नहीं मिलेगा भाई। सर हमको इस नौकरी का बहुत ज़रूरत है सर, अगर आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? रूम का रेट नहीं दिए, खाने का खाना तक नहीं। सर आप कैसे कर रहे हो? नहीं देंगे तुमको नौकरी भोसड़े के, इस जन्म का पूरे 7 जन्म में तुमको नौकरी हम अपना कंपनी पर नहीं देंगे। सर आप प्लीज़ अपना दे दो ना हमको। दे सर, सर नौकरी का बात कर रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। बहुत बेहाया आदमी यार, कितनों मना कर लो तू मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। साले एक बार कुत्ता बोलते तो कम से कम सुधर जाएगा, तू साला दोबारा आ गया। वहाँ पे आए हो क्या यार? मतलब तू नहीं मानेगा, मतलब तेरे बाप को बुलाना ही पड़ेगा। कब से साला रिगड़ रहे, नौकरी दे दिया, नहीं चाहे तुमको नौकरी देने में क्या जरा यार? जा जिसको बुलाना बुला ले, चाहे तू प्रधानमंत्री तक के बुला ले, तुमको नौकरी हम नहीं देंगे, हम नौकरी नहीं देंगे तुमको, चाटो यार। हेलो भाई, आप कहाँ यार? यार हमको नौकरी कंपनी में नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, मुझसे अकेले हम बात करके तुमको नौकरी दिलवा देते हैं। ठीक यार, ये नौकरी कंपनी वाला बहुत नौटंकी चौधर रहा है यार, नौकरी मांग रहे सर नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं हमको अपना प्रॉब्लम है, आपको आना पड़ेगा भाई अभी। ठीक है आप आइए, हम बाहर निकलते हैं। आने दे, कौन है देख लेते हैं। आ रहा तेरा बाप, देख लेना उसको। आप यहाँ तब क्या सुन रहे हैं? आप मना कर दिए इसको नौकरी से देने के लिए, ऐसा क्यों? नहीं नहीं सर, मैंने कभी इसको मना नहीं किया कि नौकरी नहीं देंगे सर। अबे तू काहे ले आया यार इसको? नहीं सर, नहीं तुम बोले इसलिए हमको इस जगह आना पड़ा, नहीं तो हम नहीं आते। और बात रहा इसका जॉब का, तो आपको इसको हर हालत में जॉब देना पड़ेगा। तो बस इसको नौकरी चाहिए ना, कन्फर्म लाइव लेटर लिख देता है, इसको नौकरी मिल ही जाएगा सर। हम भला इसको कैसे मना कर सकते हैं? ऐसे नौकर से तुम आ जाना बाबू नौकरी में, ठीक है? नहीं इस बार तेरा सोच सही चल रहा है, उम्मीद करते हम लोग कभी नहीं मिले, मिले तो उस दिन तेरा आखिरी मुलाकात होगा।